कराची के आवाम जो पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ किया है, न सिर्फ उसका कर्जा चुकाएंगे बल्कि मुनाफे के साथ चुकाएंगे। और ना पीपल्स पार्टी के पास ये मुकामी हुकूमत बचेगी, ना सिंध के अंदर इनकी हुकूमत बचेगी। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले खिदमतगार लोग होंगे, जैसे आपने कोऑपरेटिव मार्केट देखते बनते हुए देखी है, जैसे ग्रीन लाइन ऑपरेशन बनते हुए देखी है, जिस तरीके से K4 का मंसूबा बनते हुए देख रहे हैं, इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला कराची के अंदर भी तरसील का निजाम होगा, पानी की तरसील का निजाम। और कराची जो पानी की बूंद बूंद के लिए तरसावा है, ये प्यास इंशाअल्लाह ताला कराची की बुझाई जाएगी। एक और मसला, और वो बहुत सारे मसलों से जुड़ा हुआ, कराची का एक दरीना मुतालबा कि मर्दम शुमारी के अंदर कराची की आबादी को पूरा जाहिर नहीं किया जाता। अच्छा, इस काम के ऊपर सियासत बड़ी पार्टियों ने की, ये भी आप समझते हैं। अब तो जमहूरी निजाम आप लोग देख चुके हैं, बहुत अरसे से देख रहे हैं, इलेक्शन होते हैं, लोग वादे करते हैं। ये जो सियासी पार्टियां हैं, इनकी सियासत इसमें चलती है कि लोगों के मसाइल ना हल हों, वो मसले के ऊपर सियासत करते हैं, मसले हल नहीं करते। तो सिर्फ वो जो कि खिदमत करने के लिए आया हुआ है, जो सियासत करने के लिए नहीं आया, वही मसले का हल करता है। तो जनाब, कोई आप कराची की पार्टी का नाम ले लें, ऐसी नहीं है जिसने इक्तदार के अंदर शिरकत ना की हो, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक मर्दमशुमारी का मसला हल हुआ नहीं। आपको कराची में बैनर बहुत नजर आएंगे मर्दमशुमारी के मुतालबे पे, कई जमात इस्लामी के, कई पीपल्स पार्टी के, कई हमारे इत्तेहादी MQM के, आपको हर जगह मुतालबा होते हुए नजर आएगा। हल किसी ने आज तक नहीं दिया।